नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। केरल में मां बाप के सामने आरएसएस नेता की हत्या। केरल में कन्नूर जिले के पप्पिन सेरी के समीप अरोली में कथित तौर पर माकपा के कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियारों से हमला करके आरएसएस के पूर्व पदाधिकारी की हत्या कर दी। इस घटना में नेता के परिवार के 3 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोमवार देर रात करीब 11 बजे माकपा के कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियारों के साथ यहां आरएसएस के एक पूर्व कार्यवाहक के घर पर हमला कर दिया। मृतक की पहचान पीवी सुजीत के रूप में हुई है। वह आरएसएस के पप्पिन सेरी मंडलम का पूर्व कार्यवाहक था। हमले में उसके पिता जनार्दनम, माता सुलोचना तथा भाई जयेश भी घायल हो गए। इस सिलसिले में माकपा के 8 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिखों से जुड़े चुटकुलों पर रोक के लिए उपाय सुझाएं। उच्चतम न्यायालय ने सिखों से संबंधित चुटकुलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता हरविंदर चौधरी और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से इस बारे में उपाय सुझाने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश टीएफ ठाकुर और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने कहा कि वह इंटरनेट के जरिए प्रसारित किए जाने वाले जातिवादी और सांप्रदायिक चुटकुलों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग पर विचार करेगी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के वकील आरएस सूरी से कहा कि वह ऐसे उपाय सुझाए जिससे ऐसे चुटकुलों पर रोक लगाई जा सके। शीर्ष अदालत ने इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। बजट सत्र के लिए बुलाई बैठक में उठा जेएनयू का मुद्दा। संसद के बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर विचार विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सभी प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक में जेएनयू का मुद्दा भी उठा। राजद के प्रेमचंद गुप्ता ने बताया कि बैठक में शामिल दलों की यह राय है कि संसद का कामकाज सुचारू रूप से चलना चाहिए। बैठक में सभी दलों ने अलग अलग मुद्दे उठाए, इसमें जेएनयू का मुद्दा भी उठा। गौरतलब है कि संसद के पिछले दोनों सत्रों में हंगामे के कारण कामकाज बाधित हुआ था और जीएसटी समेत कई अहम विधेयक पारित नहीं हो पाए थे। असम में मुठभेड़, 4 उग्रवादी ढेर। असम में एक अभियान के दौरान सेना ने बुधवार को 4 उग्रवादियों को ढेर कर दिया। सोमवार तड़के खुफिया सूचना मिलने के बाद सेना ने लोहित जिले में अभियान चलाया जिसमें 4 उग्रवादी मारे गए। इनमें से 3 उग्रवादी NSCNK और 1 उल्फा से संबंधित था। उग्रवादियों के पास से एक AK-56 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद की गई है। विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने कारोबारी विजय माल्या, उनकी कंपनी किंग फिशर एयरलाइंस तथा यूनाइटेड ब्रेवरीज को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है। बैंक ने सोमवार को बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार माल्या और उनकी दोनों कंपनियों को उनके कानूनी प्रतिनिधियों के जरिए बैंक द्वारा गठित समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। उनकी दलील सुनने के बाद बैंक ने RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है। बैंक ने उनके खिलाफ बकाया वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही डेट ट्रिब्यूनल के समक्ष बकाया वसूली के लिए भी मामला भी दर्ज कराया है। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में भारतीय स्टेट बैंक ने भी माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया था। RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार एक बार विलफुल डिफॉल्टर घोषित होने के बाद इन्हें किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।